हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेकिया नेशन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे इस तरीके के अमेजिंग कलरफुल सिग्नेचर लोगो बना सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कुछ सिग्नेचर लोगो बनाया हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के अमेजिंग कलरफुल सिग्नेचर लोगो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो दोस्तों, सिग्नेचर लोगो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। आपको ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों, सिग्नेचर लोगो बनाने के लिए आप इस ऐप को ओपन कर लीजिए। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कलर पर जाके ब्लैक कलर ले लीजिए। उसके बाद न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए। दोस्तों, मैं लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 डॉट लिया हूँ, आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं। टाइप करने के बाद आप डन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद इस ए पर क्लिक करके फॉन्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद माय फॉन्ट्स पर चले आइए। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 6 सिग्नेचर लोगो दिया हूँ और ये गॉथम वाला फॉन्ट फोटोग्राफी लिखने के लिए दिया हूँ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मुझे ये फॉन्ट्स कहाँ से मिला और आप कैसे ये फॉन्ट्स पिक्सल लैब में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इन 6 सिग्नेचर लोगों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगा है, इसीलिए मैं ये फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। फॉन्ट चूज़ करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कलर ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे जाके सिर्फ फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कोई भी एक कलर ले लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद प्लस आइकन पर जाके टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर कैपिटल लेटर में फोटोग्राफी लिख लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद फोटोग्राफी को नीचे ला के छोटा कर लीजिए और अपना नाम के नीचे सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर से फॉन्ट्स पर क्लिक करके माय फॉन्ट्स में आ जाइए। उसके बाद गॉथम फॉन्ट सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके स्पेसिंग में जाके स्पेसिंग को 40 के आसपास कर लीजिए। उसके बाद फिर से फोटोग्राफी टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। आप दोस्तों, हम यहाँ पर एक कैमरा का PNG लगाएंगे ताकि हमारा लोगो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, हमें फिर से इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके गैलरी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, हमें एक कैमरा PNG लोगो लेना होगा। दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में बताया है आप कैसे इस तरीके के कैमरा PNG लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। कैमरा PNG लोगो सिलेक्ट करने के बाद आप उसे छोटा करके यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कलर ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद इसे इनेबल करके आपका पसंद का एक कलर ले लीजिए। उसके बाद इसे सही से सेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पर क्लिक करके यहां पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सारे बॉक्स टिक करके यहां पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दीजिए ताकि सब कुछ मर्ज हो जाए। उसके बाद लोगों को सिलेक्ट करके पोजीशन ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद लोगों को मिडिल में लाके ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दीजिए ताकि लोगों की बैकग्राउंड हट जाए। अब दोस्तों, हम इस लोगों को थोड़ा शैडो लुक देंगे। उसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक करके शैडो ऑप्शन में आ जाइए। उसके बाद इनेबल करके ब्लर रेडियस 4, एक्स को 2 और वाई को 3 कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अब हमारा लोगो रेडी हो चुका है। आप दोस्तों, इसे सेव कर लेते हैं।
इसे सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सेव एस इमेज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्वालिटी पर जाके क्वालिटी अल्ट्रा कर लीजिए। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दीजिए। सेव टू गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपका लोगो सेव हो जाएगा। आप दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आप कैसे पिक्सेल लैब में सिग्नेचर लोगो फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, और दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूँ आप कैसे ये कैमरा लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आप कैसे ये कैमरा लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पर कैमरा लोगो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जीप फाइल पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपका सारा लोगो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली गैलरी में सारा लोगो मिल जाएगा। उसके बाद आप गैलरी में से उन लोगों को पिक्सेल लैब में इस्तेमाल कर सकते हो। आप दोस्तों बात कर लेते हैं आप कैसे पिक्सेल लैब में सिग्नेचर लोगो फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों मैं जो फॉन्ट इस्तेमाल किया हूँ वो सारा फॉन्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए जो आपको जिप फाइल में मिलेगा। आप दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आप कैसे जिप फाइल को अनजिप करके पिक्सेल लैब में इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आप फाइल मैनेजर में जाके जिप फाइल को ढूंढ लीजिए। उसके बाद जिप फाइल पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जिप फाइल अनजिप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप पिक्सेल लैब को ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस ए पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फॉन्ट्स में जाके माय फॉन्ट्स में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप जिस फोल्डर में जिप फाइल को अनजिप किए थे उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं डाउनलोड फोल्डर में अनजिप किया था, इसीलिए मैं डाउनलोड फोल्डर में आ जाता हूँ। उसके बाद टेकी एनिमेशन सिग्नेचर फोल्डर पर क्लिक करके ऐड डायरेक्टरी पर क्लिक कर दीजिए। ऐड डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद आपका सारा फॉन्ट्स आ जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ पूछना है तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।